गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग इसको लीव कर देते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स। ठीक है, अब इसमें क्या हमें डील करना है, इसमें हमें ये बताना है कि कितने टाइप के विटामिन्स होते हैं। दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, बी और सी, और फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, ए डी ई के। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जैसे बी और सी, तो सी क्या होता है, सिट्रिक फ्रूट्स, फलों का जूस। तो उसको लेने से क्या बेनिफिट होता है कि यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो बॉडी में वो क्या होता है, रहता नहीं है, धीरे धीरे कम होता रहता है, निकलता रहता है, छनता रहता है। ठीक है, अच्छा अब विटामिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, साइंटिफिक नेम उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम जैसे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या होता है, थायमीन। विटामिन सी का क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और लास्ट वाला मतलब विटामिन के, नेप्टोक्विनोन। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या क्या होता है, इसकी कमी से हमें देखना है। विटामिन ए की कमी से डिफिशियंसी कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। बी की कमी से होता है बेरी बेरी। सी की कमी से होता है स्कर्वी। डी की कमी से होता है ग्वाइटर। ई की जो कमी से होता है, ई की कमी से एनीमिया। और लास्ट के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग। आप देखते हो कई लोगों को अगर चोट लग जाता है उनका ब्लड रुकता नहीं है, क्योंकि उनमें विटामिन के की कमी होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग बनाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम होती है विटामिन जिसमें के कम होता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड किससे था, विटामिन से।